मैं राम बिलोक शर्मा संस्कृत शिक्षक ओल्ड पॉइंट मॉडर्न स्कूल कलरपट्टी दरभंगा। सिक्स क्लास के बच्चों को वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वीडियो पर बनाकर बच्चे को भेज रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में पार्ट फाइव उत्तम पुरुष, जिसको कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसको बताया था। उत्तम पुरुष जिसको कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि अहम आवाम वयम, उस दिन मैंने लिख दिया था अहम के साथ में लड़का अहम लड़का है, आवाम के साथ में आवाम लड़का है, वयम के साथ में आवाम लड़का है। उसी बात का यह प्रश्नोत्तर अब है कि आपको पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धानी करत करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे के शब्द दिए हुए हैं इसको सही रूप में आपको लिखना है। हमारे बच्चे के पाठ में वर्फ सिक्स के बच्चे पार्ट फाइव निकाल लीजिएगा और मैं जो किया उत्तर प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ उसको क्रमबद्ध अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। यहाँ है वयम, तो मैंने अगली क्लास में आपको बताया था कि वयम के साथ आमह लगता है, लेकिन यहाँ वयम के साथ तिल लगा हुआ है, यह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा वयम गच्छामः। उसी प्रकार से है सा पठंती, सा है वह, सा मीन्स वह होता है स्त्रीलिंग, पठंती है बहुवचन में, पठंती ना होकर सा पठती एक वचन में होगा, क्योंकि कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। तीसरा है मृगन धावता, एक मृग है तो यहाँ हो जाएगा मृगन धावती। चटके पूजंती, चटके पूजता, द्विवचन में है चटका चटके लता लते। पचवा है युवाओं चलसी, युवाओं के साथ में था लगता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा युवाओं चल था। चौथा नंबर में है फलौनी पतता, तो फलौनी है फलम फले फलानी, बहुवचन में है इसलिए इसकी क्रिया भी फलानी पतंती, पतंती होगा ना कि पत्ता होगा। तव कूदंती, वे दो कूदते हैं, यहाँ हो कूदंती है बहुवचन में इसलिए यहाँ हो जाएगा शुद्ध रूप में तव कूदंता। अहम हंसती, अहम के साथ अमी लगता है इसलिए हो जाएगा अहम हसामी, यही शुद्ध रूप हुआ। यही आपका प्रश्न कर रहा है कि वाक्य क्या रहेगा अशुद्ध में, इसको शुद्ध करना है, तो जिस कर्ता के साथ जो क्रिया लगेगी उसे ही सामंजस्य करके बिठाना है। अब दूसरा है आपका कि किम शब्द से रूपये प्रश्न निर्माण को, किम शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। आपका ऐसा फल एक वह फल खाता है, यहाँ हो जाएगा सह के खादती, क्योंकि किम शब्द का रूप है, किम शब्द का रूप चलता है किम के कौनी की काव्यम कसमय काव्यम दे दिया, यहाँ है कि सह के खादती। अंत में दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के नीचे में दीजिएगा हाइफन देकर, इसको इसलिए शिक्षक लोग समझ जाएंगे कि बच्चे ने यहाँ से किया। दूसरा है गीता पुस्तकम पठती, गीता किम पठती, यहाँ हो जाएगा किम, इधर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर दो में है ते लेखनी लिखंती, ते कौन लिखंती, यहाँ दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। भाव में है छात्रा दुग्धम पिबंती, यहाँ हो जाएगा छात्रा किम पिबंती, किम देकर नीचे में अंडर लाइन दीजिएगा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। छोटा छोटा मिस्टेक है, इसलिए आप लोगों को किम शब्द का रूप अगले वीडियो में मैं लिखूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आप सुन लीजिए, तब आगे है भाषा अवबोधन संबंधी प्रश्न है कि उचित क्रिया पद निमित्त स्थानानी कुर्यत, क्रिया दिया हुआ है, मूल क्रिया दिया हुआ है, आद पाठ लेख असमी नम कम, इसके साथ बिठाना है कि कर्ता के साथ में क्या सामंजस्य करेगा। जैसे आम है उसके बाद जैस है, इसमें खाद क्रिया है, आम के साथ अमी लगता है तो खाद में अमी जोड़ दीजिएगा तो अहम खादामी,
दूसरा है ते पठंती सह तव ते, सह मीन्स वह एक वचन में, तव मीन्स वे दोनों द्विवचन में, या ते मीन्स वे सब, तो ते हो गया बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की पठंती होगा। तीसरा है युगम लिखो, युगम के साथ थो लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ लिख है, आप यहाँ थो दे दीजिएगा लिखो। घो में है युवाओं स्मृत, युवाओं के साथ थह लगता है, इसलिए यहाँ पर अस्मृति धातु है, इसमें थह लगा दीजिएगा तो स्मृत हो जाएगा। अरो में है वयम नमामः, अहम आवा को वयम, अहम के साथ अमी, आवाम के साथ आवा और वयम के साथ अमह लगता है, इसलिए वयम नमामः। साते ता है बहुवचन में, यहाँ है भ्रम, इसमें दे दीजिएगा सा भ्रमंती, बहुवचन की क्रिया दीजिएगा। अब है चौथा है शब्दार्थ मेलनम करो, शब्दों का अर्थ उल्टा उल्टा दिया हुआ है इसके सामने में, जैसे इनम, इनम मीन्स होता है तुम लोग तुम सब, लेकिन इसके सामने में है पत्ता, यह नहीं होगा। आपको सिक्स छह गो है सही रूप और छह गो है प्रश्न, तो जिसके साथ में जिसका जो सही अर्थ होगा उसका सही अर्थ इधर हमने लिख दिया है, इसको आप लोग बच्चे हमारे नोटबुक पर लिख लीजिएगा। इयम मीन्स होता है हम तुम सब, इसका सही रूप होगा तुम सब। वयम मीन्स होगा हम सब। गजा मीन्स होगा बहुत से हाथी, गजा गजो गजा। सेविके, सेविके मीन्स होगा दो सेविकाएं। पत्राणी मीन्स हो जाएगा पत्ते, आते मीन्स स्त्री में हो जाएगा वे दो स्त्रियाँ, लेकिन इसका ते के सामने में है तुम सब, पत्राणी के सामने में है बहुत से हाथी, सेविके के सामने में यह नहीं होगा। इसका जो सही रूप होगा जिसको कि मैंने शब्दार्थ में आप लोगों को बताया है, वह शब्दार्थ आप याद कीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा, और याद के लिए मैंने आपको लिख दिया है। एक प्रश्न और है जिसको मैं चाहती हूँ, लास्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थान में क्रिया पूर्ति करो, रिक्त स्थानों में क्रिया की पूर्ति करें। आपको यहाँ दिया हुआ है सिर्फ गच्छामि एक वचन में, इसका द्विवचन में हो जाएगा खाली जगह है, इसमें दे दीजिएगा गच्छावः, बहुवचन में दे दीजिएगा गच्छामः, या तो खाली जगह है इसके नीचे में अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन से करने पर हम लोग समझ जाएंगे कि बच्चे ने होमवर्क किए। दूसरा है पटसी, तो पटसी एक वचन में हुआ, द्विवचन में हो जाएगा पटथ, बहुवचन में हो जाएगा पटथ, या पटथ पटथ खाली जगह है इसमें भरना है आपको, एक में दीजिएगा था एक में दीजिएगा थ। तीसरा है धावती, धावती यहाँ खाली जगह है और धावता भरा हुआ है, तो धावता द्विवचन में है, इसका एक वचन में दीजिएगा धावती और बहुवचन में दीजिएगा धावंती, या खाली है। घ में है क्रीडति, एक वचन में द्विवचन में हो जाएगा क्रीडता, या जो खाली है और बहुवचन में क्रीडंती, यह दिया हुआ है और यह जो आपको लिखना है क्रीडति क्रीडता। और अव में है कि पश्यामि, पश्यामि मीन्स होता है देखता हूँ, यहाँ अवमी है तो द्विवचन में हो जाएगा आवर, बहुवचन में हो जाएगा यामा, पश्यावर पश्यामर, इसके नीचे में अंडरलाइन दे दीजिएगा जो समझ जाएंगे टीचर जो बच्चे यहाँ काम किए। चौथा नंबर में तिवामि, खाली जगह है और यहाँ है तिवावर तिवामर, यह है ही सिर्फ एक तिवामि लिखना है, तो बच्चे हमारे जब यह समझ जाएंगे कि कर्ता के साथ अहम के साथ अमी लगता है, आवाम के साथ आवह लगता है, वयम के साथ अमह लगता है, तुम के साथ सी लगता है, युवाओं के साथ थह लगता है और युवाओं के साथ फ लगता है। तो आज फाइव पार्ट इतना हुआ, अपने अपने नोटबुक में सभी बच्चे लिख लीजिएंगे, और जब फिर क्लास खुलेगा तो हम उसको रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे। अगले वीडियो में मेरी प्रथम पार्ट का प्रार्थना है उसको आप लोग पढ़कर रखिएगा, उसका अर्थ मैं पुनरावलोकन के तहत, या जिन बच्चों को जो कठिनाई होगा वह मंगलवार को हमको किसी दिन पूछ सकते हैं, ऐसे मंगलवार के वीडियो के दिन जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा।